तो हम बात करने वाले हैं कुछ समथिंग डिफरेंट के बारे में। आपको अगर नहीं पता, अगर आप एंड्रॉयड कम्युनिटी में उतने एक्टिव नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कर्नल SU ये एक नई इन्वेंशन आप बोल सकते हैं, ये हमारे पास अवेलेबल है कि आप अपने डिवाइस को रूट कर सकते हैं कर्नल के थ्रू, यानी कि आपको मैजेस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एज यू कैन सी अनसपोर्टेड, तो आपको जो डिवाइस के कर्नल है मोस्टली अनसपोर्टेड होंगे शायद। तो आप अपने डिवाइस की कम्युनिटी में चेक कर सकते, अगर आपको इस तरह कर्नल अवेलेबल है जो कर्नल SU को सपोर्ट करते हैं तो इट्स अमेजिंग। और इसके बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा, ये आपको अपनी डिवाइस की कम्युनिटी में जाके चेकआउट करना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल ये कर्नल मेरे पास अवेलेबल है, मैं अपने डिवाइस को कस्टम रिकवरी में बूट कर रहा हूँ, मैं ऐसे टेस्ट कर रहा हूँ Redmi Note 10 Pro में Android 13 में, और मैंने ये कर्नल को टेस्ट किया और ये कर्नल जो है कर्नल SU को सपोर्ट करेगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डिवाइस को कैसे रूट कर रहे हैं इस टाइम में। हम अपने डिवाइस को रूट कर रहे हैं, मैचेस का टाइम खत्म। यस, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कस्टम रिकवरी में जैसे मैं बूट करूंगा, मैं आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा, आपको सब चीज़ें बताऊंगा, प्रोसेस कैसे है वो सब चीज़ें। सबसे पहले एज एक्सपेक्टली आप इसके बूट इमेज का बैकअप जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें कस्टम कर्नल को इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी कि कस्टम बूट इमेज को इंस्टॉल कर रहे हैं। सो द थिंग इज, आप इसको इंस्टॉल कीजिए, डन। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस कस्टम रिकवरी को, इस कस्टम कर्नल को इंस्टॉल करेंगे। एंड एज इट इज मेंशन, अगर आपके डिवाइस का कस्टम कर्नल ऑलरेडी से सपोर्ट करता है तो इट्स अमेजिंग, नहीं करता है तो आप अपने डिवाइस की कम्युनिटी में जाके चेकआउट कर सकते हैं, XDA टेलीग्राम कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। अगर ये ऐसा कस्टम कर्नल अवेलेबल हो जो कर्नल SU को सपोर्ट करता है तो दैट्स अमेजिंग। तो जैसे हमने इसे इंस्टॉल कर लिया तो हमारा जो डिवाइस है बूट होगा, आपको इसके बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मैजेस से बेटर क्यों है, कैसे है, इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन भी जल्दी ही आपके साथ लेके आऊंगा। तो उसी की चलते इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह के और वीडियोस आपको अच्छी लगे चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस तरह से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमें देखने को मिलता है। मैं अपने डिवाइस में इसे इंस्टॉल कर चुका हूं, हम करते बूट। और एक्चुअली मैं आपको इसमें और भी कमाल की चीज़ें बताऊंगा। कर्नल SU को मैंने ओपन किया एंड एज यू कैन सी इट्स वर्किंग। अभी हुआ गया, हमने अपने डिवाइस को रूट कर लिया है, एक्चुअली में हमने डिवाइस को रूट कर लिया, इट्स अमेजिंग। और ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आपको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा मैजेस के साथ, बिल्कुल सेम चीज़ें इसमें भी हैं, बट इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये देखिए सुपर यूज़र, अगर आपने एंड्रॉयड कम्युनिटी को काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया होगा, एंड्रॉयड 5 एंड्रॉयड 6 टाइम से, तो उसमें सुपर SU अवेलेबल था, उसमें मैजेस अवेलेबल नहीं था दैट टाइम, तो उसमें आप पर्टिकुलर ऐप के लिए सुपर यूज़र एक्सेस देते थे, यानी कि रूट एक्सेस देते थे। अभी आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, तो मैं ऐसे अगर रूट एक्सेस ग्रांट कर रहा हूँ तो जैसे मेरे पास ये ऐप अवेलेबल है जो कि डाटा बैकअप है, और इसका मैंने डाटा क्लियर कर दिया आपको दिखाने के लिए एग्जैक्टली कि इसको कोई परमिशन वगैरह ग्रांट नहीं करी हुई। जब मैं इस ऐप को ओपन करूँगा फर्स्ट टाइम पे, ये सिर्फ रूटेड डिवाइसेज में काम करता है, तो जैसे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, ग्रांट रूट एक्सेस डन, ये ऐप यहाँ पर काम कर रहा है, इसको रूट एक्सेस मिल गया। और आपने देखिए मैंने यहाँ पर कोई मैजेस इंस्टॉल नहीं करा, कुछ नहीं करा, दिस इज़ अमेजिंग। उसी तरह से अगर मैं चलूँगा यहाँ पर इन ऑप्शंस में, आपके पास एक मॉड्यूल का ऑप्शन अवेलेबल है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल LS Pose को इंस्टॉल कर रहा हूँ जो एज कर्नल SU के साथ कंपेटिबल है, और आप यहाँ पर मॉड्यूल्स को भी इंस्टॉल कर पा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। सेम चीज़ें जो आप मैजेस में कर सकते वो सेम चीज़ें आप इसमें भी कर सकते हैं, दिस इज़ अमेजिंग। एज यू कैन सी डाटा बैकअप मैं यहाँ पर यूज़ कर पा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैं ऐप्स को बैकअप कर सकता हूँ, सेम चीजें कर सकता हूं जो मैं रूटेड डिवाइस में करता हूं। ये रूट ही है, हमने अपने डिवाइस को रूट कर लिया, एक्चुअली में रूट कर लिया है, और ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। कर्नल SU से आप इसमें सुपर यूजर परमिशन को ग्रांट करेंगे, पर्टिकुलर ऐप के लिए आप इसमें रूट एक्सेस ग्रांट कर सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। उसके साथ हमने इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लिया LS Pose को, तो अगर मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाऊं, रीबूट कर लूं अपने डिवाइस को, तो भी मैं आपको बताता हूं कि ये इंस्टॉल हो चुका है। हम चलते कर्नल SU में वंस अगेन, और आपको यहां पर मैं दिखाऊंगा कि ये जो मेरा डिवाइस है यहां पर इंस्टॉल कर चुका है इस एस मॉड्यूल को। हम चलेंगे मॉड्यूल्स वाले सेक्शन में, एंड एज यू कैन सी इट्स डन। नई UI इसमें देखने को मिलती है, एंड्रॉयड 8 से लेकर एंड्रॉयड 13 तक LS Pose ऑलरेडी सपोर्टेड है, ये तो आपको पता ही होगा। एंड ये बहुत अच्छी इन्वेंशन, एक्चुअली में बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। सुपर यूज़र जब मैंने इस अपने डिवाइस को रीबूट किया तब भी अवेलेबल है, आपको हर बार रीबूट करने के बाद सुपर यूज़र परमिशन को ग्रांट नहीं करना है। और एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने देखा सुपर यूज़र अवेलेबल है, मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड है, डिवाइस रूटेड है। हम चलते हैं सेफ्टी नेट चेक करने में, सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफ्टी नेट इज़ पासिंग। आपको रूट कर लिया आपने, आपको यहाँ पर कोई सेफ्टी नेट का मॉड्यूल नहीं फ्लैश करना है, कुछ नहीं करना है, सेफ्टी नेट को कोई इशू नहीं होगा। बेसिकली आप अपने डिवाइस को रूट कर सकते हैं, बैंकिंग ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं बिना सेफ्टी नेट के कोई इशू के। सो दिस इज़ वेरी 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 गुड, ये वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस है ओवर मैजेस। इस तरह और कंपैरिजन भी आपके साथ मैं लेके आऊँगा, और बस यही सब था आज की छोटी सी वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। गुड बाय।